नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक एमएस में। मैं हूं मुनील और ये है आंसरिंग योर क्वेश्चंस की सीरीज का पांचवा एपिसोड। और ये एपिसोड में मैं आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो आपने मुझे पूछे थे अप्रैल के महीने में। तो चलिए दोस्तों, बिना गवाए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है गेमिंग के गुरुजी ने। ये पूछते हैं कि ब्रो वांट टू कांटेक्ट यू, प्लीज़ वेरी अर्जेंट, प्लीज़ सेंड मी रिप्लाई हाउ टू टॉक विथ यू। तो अगर आपको या किसी को भी मुझसे बात करनी है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो करके जो आपका सवाल है मुझे पूछ लीजिए, या आपको जो भी बात करनी है हम बात कर सकते हैं वहाँ पर। और मैं आपको रिफ़र करूँगा, आप मुझे ज़्यादा करके इंस्टाग्राम पर सवाल पूछना, बिकॉज़ मैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आपको जल्दी से मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो चाहिए अभी के भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, अगर आपने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे अंबेर मोर फ्लूटर गुरुजी ने। ये पूछते हैं प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू एंटर इन आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड मेक अ वीडियो ऑन आंसरिंग योर क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको मुझे आंसरिंग योर क्वेश्चन के लिए कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप मुझे मेरे कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन क्या कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जो आपका सवाल है पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसका जवाब नेक्स्ट एपिसोड में दे दूंगा। या फिर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ पर भी आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब मेरे नेक्स्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन के एपिसोड में दे दूंगा जो हर महीने की 30 तारीख को आने वाला है। दूसरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है नैवेद्य सरफ ने, और ये पूछते हैं कि माय क्वेश्चन इज हाउ यू ऐड थंबनेल टू योर वीडियोस। तो मैं अपने वीडियो में थंबनेल तो अपने फ़ोन से ही ऐड करता हूँ। एक एप्लीकेशन है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो करके, ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, फ्री एप्लीकेशन है और गूगल की खुद की एप्लीकेशन है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप अपने पूरी चैनल को मैनेज कर सकते हो, जैसे एनालिटिक्स चेक कर सकते हो अपने चैनल के, फिर आप उसके कमेंट्स के रिप्लाई दे सकते हो वहाँ से ही, आप वीडियो में थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हो, टैग्स डाल सकते हो, और आप वहीं से थंबनेल्स भी ऐड कर सकते हो। तो मैं वही एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ थंबनेल्स ऐड करने के लिए और अपने चैनल को मैनेज करने के लिए। दूसरा अगला क्वेश्चन पूछा है जनरल टेक ने, और ये पूछते हैं भाई मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब नहीं आए तो क्या करूँ, कब तक आएगी। तो भाई ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक यूट्यूब आपको कम्युनिटी टैब नहीं देगा तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब यूट्यूब को लगेगा कि हाँ यार इसको कम्युनिटी टैब देना चाहिए तब जाके वो आपको कम्युनिटी टैब देगा, तब तक आप बस मेहनत करो, अच्छे वीडियोज़ बनाओ, थोड़ा ग्रोथ लो, डेफिनेटली आपको यूट्यूब कुछ टाइम बाद कम्युनिटी टैब दे देगा। दूसरा अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच थंबनेल मेकर ऐप डू यू यूज़। तो मैं यूज़ करता हूँ, पहले तो मैं सिर्फ फोटोशॉप टच का यूज़ करता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं कैनवा का भी यूज़ करने लगा हूँ, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है मुझे अब जाके पता चला, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपने थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो, या कोई और फोटो भी अगर आपको एडिट करनी है तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो अभी मैं कैनवा का भी यूज़ करता हूँ और फोटोशॉप टच का भी यूज़ करता हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी एडिटिंग कैनवा में करता हूँ, थोड़ी एडिटिंग फोटोशॉप टच में करता हूँ, और उसके बाद ही जो आप थंबनेल देखते हो वो तैयार होता है। दूसरा अगला सवाल पूछा है क्रिएटिव स्टूडियो ने, और ये पूछते हैं टेल मी विच इज़ द बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप फॉर एंड्रॉइड। तो बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप आप यूज़ कर सकते हो सिनेमा FE5 का, फिर आप यूज़ कर सकते हो ओपन कैमरा, ये दोनों एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको, और फ्री एप्लीकेशन भी है तो आपको कोई पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मतलब आप बहुत सारे आपको इसमें मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप बहुत सारे चेंजेस यहीं से कर सकते हो, मतलब ISO चेंज करें वगैरह वगैरह बहुत आप यहीं से कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन गिरिराज कोच पूछते हैं Mi A2 वाले वीडियो में, और ये पूछते हैं कि मुनील ये Xiaomi है या फिर Redmi है और कितना दाम है इंडिया में इसका। तो ये कंपनी का नाम Xiaomi है और उसके कुछ फ़ोन Redmi नाम से बेचे जाते हैं, जैसे Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5 Note 4 या फिर Redmi 5 Redmi 4, ऐसे कुछ फ़ोन्स में वो Redmi लगाता है, लेकिन जो मेन कंपनी का नाम है वो Xiaomi है। और आप Mi A2 के दाम की बात कर रहे हो तो वो तो अभी तक किसी को नहीं मालूम कि इंडिया में क्या प्राइस होगी, बिकॉज़ अब तक वो इंडिया में आया नहीं, अब सिर्फ चाइना में ही अवेलेबल है। तो चाइना में उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1599 yuan से, और जो करीब करीब 17,000 Indian rupees निकल के आती है, और देखते हैं चलो इंडिया में जब आएगा Xiaomi इसे क्या प्राइस पे लॉन्च करेगा। दूसरा अगला क्वेश्चन पूछते हैं जैन खान, और ये पूछते हैं इंडिया में आ भी जाएगा तो आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, ऑर्डर कैसे करेंगे। ये भी दोस्तों Mi A2 वाले वीडियो में ही आया था क्वेश्चन, और हाँ आपने सही कहा, Xiaomi का यही प्रॉब्लम रहता है, सारे फोन उसके फ़ोन या मैं कहूँ प्रोडक्ट्स सब उसके आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं ज़्यादा करके, और फ्लैश सेल में बिकते हैं तो मतलब लकी ड्रॉ जैसा हो जाता है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, आपको एकदम रेडी रहना पड़ता है वही टाइम पे जब वो स्टॉक में आते हैं, वरना तुरंत ही आते हैं और एक कुछ 10 सेकंड के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं वापस से। तो अगर ये Xiaomi अपने फिक्स कर दे, अगर वो फ़ोन को स्टॉक में ला दे
तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। या फिर प्री ऑर्डर्स भी ले सकती है शाओमी, जैसे इससे एटलीस्ट जो बायर है उसको एक तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ यार मुझे फ़ोन मिल जाएगा, उसको वो बार बार जब भी फ्लैश सेल आएगी तो बार बार उसको रेडी नहीं रहना पड़ेगा, बस एक बार ऑर्डर कर दिया तो ठीक है चलो एक एक दो हफ्ते बाद या थोड़ा भी लेट अगर हो गया, लेकिन उसको एक पता तो चल जाएगा कि हाँ यार आज नहीं तो कल मुझे फ़ोन मिलने ही वाला है। तो अगर शाओमी अपने इस चीज़ को फिक्स कर दे और फ़ोन को अगर शॉप में ला दे तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। दूसरों अगला क्वेश्चन पूछते हैं एटीपी सुमू, और ये पूछते हैं कि भाई ब्रो व्हाट इफ मोनेटाइजेशन इज नॉट एनेबल इन 1 ईयर। तो अगर आपका मोनेटाइजेशन 1 साल में एनेबल नहीं हो पाता है तो उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, कभी भी आपका मोनेटाइजेशन यूट्यूब पे एनेबल नहीं होगा। बिकॉज मतलब ये यूट्यूब का क्राइटेरिया है, आपको 1 साल के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना ही होगा और 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने ही होंगे, उसके बाद ही आपका मोनेटाइजेशन एनेबल होगा। तो और ये आई थिंक इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, 4000 घंटे तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, बिकॉज 1 साल का पीरियड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके कम टाइम आधे टाइम में आई थिंक आपके हो जाएंगे 4000 घंटे। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक जेन्युइन तरीके से वीडियोज़ बनाओ, ऑनेस्ट वीडियोज़ बनाओ और ऐसे वीडियोज़ बनाओ जो व्यूअर्स को पसंद आए, तो उसके बाद आपके इजीली 4000 घंटे हो जाएंगे कंप्लीट। दूसरा अगला क्वेश्चन पूछा है क्रिएटिव एंड एंटरटेन ने, और ये पूछते हैं कि भाई आप शूटिंग करने में क्या क्या यूज़ करते हो। तो मैं शूट करने में तो एक मेरा ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ, फोटोन स्टडी 450, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, कुछ 1000 रुपये का मुझे पड़ा था और मेरे फ़ोन को आसानी से हैंडल कर लेता है तो मेरा काम हो जाता है इससे, क्योंकि मैं फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और मैं यहाँ पे 2 सॉफ्टबॉक्स यूज़ करता हूँ जो मैंने खुद ने ही बनाए, और ये मैक माइक यूज़ करता हूँ, और इसके बारे में भी आप मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन सा माइक है। तो सॉरी एक्चुअली ये मुझे भी नहीं पता ये कौन सा माइक है, बिकॉज़ ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, तो मैं उसको पूछा नहीं कि भाई ये कौन सा माइक है, क्या नाम है इसका। और बहुत जल्द मैं एक नया माइक खरीदने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो स्टे ट्यून रहिए, आपके लिए बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछते हैं नॉलेज महल, और ये पूछते हैं कि वीडियो बनाने का मोटिवेशन कहाँ से आती है, पढ़ाई के साथ वीडियो भी डालना सच अ हार्ड वर्क। तो भाई मोटिवेशन तो आपके आपसे ही आती है, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, बिकॉज अच्छा लगता है जब आप मतलब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, थोड़ा थोड़ी मेहनत करके वीडियोस बनाते हो और जब आपके व्यूअर्स को वो अच्छी लगती है, वो आपके तारीफ़ करते हैं, तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से कि हाँ यार मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई। तो आपके कमेंट्स ही मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं और ये मुझे फोर्स करते हैं कि चलो हार्डवर्क करके एक और वीडियो बनाओ, उसके बाद एक और वीडियो बनाओ, तो आपके आप ही हो जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है स्मार्ट टेक ने, तो यहाँ पे तो 3 क्वेश्चन है। पहला है कि तुम कितने साल के हो। मैं 15 साल का हूँ और मेरा बॉर्न हुआ था 4 अक्टूबर 2002 में। अगला क्वेश्चन है कौन सी क्लास में हूँ, तो मैंने अभी अभी 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी है। और तीसरा क्वेश्चन है कि चैनल पर सब जाने में कितना टाइम लगा। तो कुछ चैनल पर 100 सब्सक्राइबर जाने में मुझे कुछ 3 से 4 महीने लग गए थे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है कॉमेडी हब ने, और ये पूछते हैं नया फ़ोन कब लोगे और कौन सा लोगे। तो भाई नया फ़ोन बहुत जल्दी मैं लेने वाला हूँ और मोस्ट प्रोबेबली मैं रेडमी नोट 5 प्रो ही लूँगा। और आप मुझे बताओ यार क्या मैं उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ वो फ़ोन को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं और अब अगर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहते हो कि मैं उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊँ तो मैं बना दूंगा। तो अभी के अभी नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या मैं रेडमी नोट 5 प्रो की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। दोस्तों अगला कमेंट लिखा है सक्षम चानाना ने, और ये रैपिड फायर राउंड है। ओके तो एप्पल और सैमसंग, एप्पल और स्नैपड्रैगन और ओलेड। स्नैपड्रैगन और ओलेड मतलब कैसा कंपैरिजन है, बिकॉज स्नैपड्रैगन तो प्रोसेसर बनाता है और ओलेड तो एक स्क्रीन का टेक्नोलॉजी का नाम है, तो कैसे मतलब फिर भी चलो स्नैपड्रैगन ओलेड दोनों। और 1 मिलियन सब्स और 10 लैम्बोर्गिनी 1 मिलियन सब्स, आफ्टर इफेक्ट और सोनी वेगास प्रो और काइन मास्टर। आफ्टर इफेक्ट और सोनी वेगास तो मैंने यूज़ नहीं किया तो इसलिए काइन मास्टर, और अमित बड़ाना और भुवन बम दोनों प्लीज़ पिक कर लेना, तो पिक कर लिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है आर्यन पत्रा ने, और ये पूछते हैं भाई आप कौन सा रिकॉर्डर ऐप यूज़ करते हो अपने मोबाइल में माइक के लिए, प्लीज़ रिप्लाई, और कैसे वीडियो पे डालते हो। तो कैसे वीडियो पे डालता हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ पे आई कार्ड्स पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन का इनबिल्ट जो वॉइस रिकॉर्डर ऐप होता है मैं वही यूज़ करता हूँ। दूसरों का कमेंट किया है करीम पठान ने, और ये कहते हैं कि भाई अब हमारे टेक एमएस फैमिली के 75,000 सब्स हिट करने जा रही है, तो उन यूट्यूबर्स के लिए क्या कुछ एडवाइस दो जो अपना फुल टाइम करियर यूट्यूब पर बनाना चाहते हैं। तो भाई जो जो यूट्यूब पर अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, बस क्या टिप दूँ, मतलब हार्डवर्क करो
और गिव अप मत करो यार। कई लोग मैंने देखा है गिव अप कर देते हैं कि हम शुरुआत में अगर आपको ग्रोथ नहीं मिलती तो वो लोग कहते हैं यार यूट्यूब मेरे बस की बात नहीं है और गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप मत करो, यूट्यूब पे आपका कोई भी एक वीडियो ऐसा निकल जाता है जो आपकी किस्मत बदल देगा। तो गिव अप मत करो, क्या पता आज आपने गिव अप किया जो वीडियो आप कल बनाने वाले थे वही यूट्यूब पे आपकी जर्नी चेंज कर देगा। तो मतलब इसीलिए गिव अप मत करो कभी भी, और हमेशा अपने व्यूअर्स के साथ ऑनेस्ट रहो, कभी भी उनको कोई गलत चीज़ मत दिखाओ, हमेशा एकदम सही दिखाओ। तो दोस्तों बस यही थे वो क्वेश्चंस जो आपने मुझे अप्रैल के महीने में पूछे थे, और अगर आप मुझे इस वीडियो के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ पाए तो अभी के भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए, या फिर आप मुझे ये वीडियो के या कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसका जवाब मेरे अगले एपिसोड में दूंगा जो आएगा 31 मई को, और वो होगा आंसरिंग योर क्वेश्चन का एपिसोड नंबर 6। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अभी के भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी अभी कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी ऐसी टेक वीडियोस आने वाली हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।